खबर स्टोरी के नाज़रीन को नई वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। तुर्क सदर जनाब थे ये बुर्दगान, उम्मत मुस्लिमा के लिए किसी हीरो से कम नहीं। उन्होंने हमेशा जिस बहादुरी और दलेर से उम्मत मुस्लिमा के हकूक के लिए इस्लाम दुश्मन अनासर की आंखों में आंखें डालकर उन्हें ललकारा है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। वज़ीरे आज़म इमरान खान की वो तकरीर अभी नरेंद्र मोदी को नहीं भूली जो उन्होंने गुज़श्ता साल अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करके मोदी को हॉल से बाहर भागने पर मजबूर कर दिया था कि तुर्क सदर जनाब तैयब उर्दगान ने एक बार फिर कश्मीर के मसले को अक़वामे मुत्तहिदा में उठाकर मोदी की नींदें हराम कर दी हैं। तुर्क सदर ने ऐसे कौन से अल्फाज का चुनाव किया कि नरेंद्र मोदी और इसके ले पालक इंडियन मीडिया की चीखें निकल गई हैं, इस बारे में हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल कवर स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। हम सब जानते हैं कि तुर्क सदर जनाब तैयब उर्दगान मुस्लिम उम्मा और ख़ास तौर पर कश्मीरी भाइयों से मोहब्बत और वफादारी किसी शको शोबे के बग़ैर हैं। अपने पाकिस्तान के दौरे में भी उन्होंने पार्लियामेंट से तकरीर करते हुए कहा था कि कश्मीर जिस तरह पाकिस्तान का मसला है इतना ही तुर्की का भी मसला है, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। इनके इस बयान ने कश्मीरियों में एक नई रूह फूंक दी थी। गुज़श्ता साल जब अक़वामे मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने कुरानी आयत पढ़ने के बाद मसला कश्मीर को इंतहाई मुअस्सर तरीके से दुनिया के सामने उठाया और मोदी को जानबूझकर हिटलर से तशबीह दी, क्योंकि इमरान खान जानते हैं कि यूरोपीय ममालिक और इनकी अवाम हिटलर से शदीद नफरत रखते हैं। इनका यह बयान इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इतना नागवार गुजरा कि पहले तो वो शदीद गमो गुस्से से मुंह बसूर होकर बैठ गए। फिर भी इमरान खान के अल्फाज मोदी से बर्दाश्त ना हुए तो वो अपनी कुर्सी छोड़कर हॉल से ही बाहर निकल गए और जब इमरान खान की तकरीर ख़त्म हुई तो फिर मिस्टर मोदी ने वापस तशरीफ आवरी की। इसके बाद मोदी ने अपने मुल्क वापस आकर अपने बाज़ अहम ख्याल वज़रा से मुशावरत करने के बाद ये फैसला किया कि किसी तरह कश्मीर के मसले को अक़वामे मुत्तहिदा के इस साल सितंबर में होने वाले इजलास के एजेंडे से ही निकलवा दिया जाए ताकि दोबारा पाकिस्तान कश्मीर के मसले को दुनिया के सामने ना उठा सके और इंडिया का असल चेहरा दुनिया को ना दिखाया जा सके। लिहाजा इंडिया ने अक़वामे मुत्तहिदा में बाकायदा दरख्वास्त की कि आइंदा होने वाले इजलास में कश्मीर को शामिल ना किया जाए, लेकिन इस वक्त नरेंद्र मोदी को दिन में तारे नजर आ गए जब अक़वामे मुत्तहिदा ने इंडिया की दरख्वास्त को कूड़ेदान में फेंकते हुए कहा कि कश्मीर का मसला इंसानियत का मसला है, लिहाजा मसला कश्मीर अक़वामे मुत्तहिदा के हर सालाना इजलास के एजेंडे में शामिल होगा। जहां अभी तक मोदी और इसके पालतू मीडिया ये सोग मनाने में मसरूफ था कि अक़वामे मुत्तहिदा ने इनकी सुनवाई नहीं की, वहीं तुर्क सदर जनाब तैयब उर्दगान ने कश्मीर के मामले पर एक नया बयान देकर इंडिया पर बिजलियाँ गिरा दी। जनाब तैयब उर्दगान ने अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मसला कश्मीर को एक मरतबा फिर उठाकर जहां पाकिस्तानियों और कश्मीरियों का दिल जीत लिया है, वहीं नरेंद्र मोदी के भी होश उड़ा दिए हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दगान के अक़वामे मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में मसला कश्मीर को भरपूर अंदाज में उठाने पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान का भी शानदार रद्दअमल देखने में आया है। तैयब उर्दगान ने कहा कि मसला कश्मीर हम मुसलमानों का मसला है, इंडिया बार बार उसे अपना अंदरूनी मामला कहना बंद करे, इंसाफ का तकाजा ये है कि कश्मीर के मसले को अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के दौरान वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान का कहना था कि जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। अपनी बात को जारी रखते हुए रजब तैयब उर्दगान का कहना था कि ये तनाज़े अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए क्योंकि जनूबी एशिया में अमन का इन्हिसार मसला कश्मीर पर है। इजलास के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया भर में अमन और इंसानियत के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, इंडिया कुछ भी कहता रहे हम अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार नहीं होंगे। तुर्की के अवाम को अपने कश्मीरी भाइयों से इतनी ही
मोहब्बत है जितनी के पाकिस्तानियों को। मैं पहले भी कहता आया हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि इंडिया कश्मीरियों पर जुल्म करना बंद करे, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कश्मीर ऐसी जन्नत है जिस पर मुसलमानों के अलावा किसी का हक नहीं। तुर्की हमेशा कश्मीरियों की जद्दोजहद को सराहता आया है और इन शहीदों से मोहब्बत रखता है जो आज़ादी की जंग में अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं। तुर्क सदर ने मजीद कहा कि कश्मीर और लीबिया, शाम, यमन समेत जंग ज़दा इलाकों में अमन के लिए अक़वामे मुत्तहिदा किरदार अदा करे। तुर्क सदर ने जहां कश्मीर के मामले को हाईलाइट किया, वहीं वो फ़लस्तीन के मामले पर भी खामोश ना रहे। जनाब तैयब उर्दगान का कहना था कि जिस तरह कश्मीर हमें अजीज़ है, वैसे ही फ़लस्तीनी अवाम भी हमें अजीज़ है। इसराइल की गजा में बमबारी मासूम शहरियों की ज़िंदगी अजीरन किए हुए है। तुर्क सदर ने फ़लस्तीन के बारे में बात करते हुए कहा कि फ़लस्तीन के मसले का हल आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क बनने के बाद ही होगा। कोई भी कौम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उनकी सरजमीन पर गैर आकर कब्जा कर लें। तैयब उर्दगान ने अपनी तकरीर में इसराइल को वो आईना दिखाया कि अक़वामे मुत्तहिदा के इस इजलास में शरीक इसराइल के सफ़ीर गिलाद अर्दीन उठकर बाहर चले गए। उन्होंने उर्दगान की तकरीर का बायकॉट किया और इन पर यहूदी मुखालिफ होने का इल्ज़ाम आयद किया। इसराइली सफ़ीर ने कहा कि तैयब उर्दगान मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, वो यहूदी मुखालिफ बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया को जान लेना चाहिए कि उर्दगान यहूदियों से नफरत रखते हैं। वो जानबूझकर ऐसे प्लेटफॉर्म्स का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं जहां वो यहूदियों को जालिम साबित कर सकें। दुनिया को उर्दगान के दोहरे मियार के बारे में जान लेना चाहिए। अब ज़रा इंडिया और इसराइल के मबैन मुमासलत मलखत्ता फरमाएं। पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस मौसर तरीन तरीके से कश्मीर का मसला उठाया और इंडिया का असल चेहरा दुनिया को दिखाया, नरेंद्र मोदी इसकी ताब ना ला सका और इजलास छोड़कर बाहर निकल गया था। इसी तरह अब जब तुर्क सदर ने कश्मीर और इसके बाद फ़लस्तीन के मौजू पर बात की तो इसराइली सफ़ीर हॉल छोड़कर वहाँ से चलता बना। मतलब इन लोगों को हकीकत दिखाई जाए तो उन्हें गुस्सा आता है कि हमारे काले करतूत दुनिया को क्यों दिखाए जा रहे हैं। अगर उन्हें अपनी बदनामी का इतना ही डर होता तो दूसरे कौम की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़े और गुंडागर्दियाँ करते ही क्यों हैं। जहाँ जुल्म होगा वहाँ जुल्म पर बात भी होगी, ये कुदरत का कानून है। आप आग से खेलेंगे तो आपके हाथ ज़रूर जलेंगे। जहाँ जनाब तैयब उर्दगान की इस तकरीर ने फ़लस्तीनियों के दिलों से अकेला होने का एहसास दूर किया है, वहीं उन्होंने मसला कश्मीर पर बात करके एक बार फिर कश्मीरी और पाकिस्तानियों को खुश कर दिया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वामे मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से अपने खिताब में एक मरतबा फिर अहले कश्मीर के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने पर तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान का शुक्रिया अदा किया। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वो कश्मीर के आवाम के लिए आलमी फोरम पर आवाज़ उठाने पर तुर्क सदर के तह दिल से शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की की हमायत जदोजहद करने वाले कश्मीरियों के लिए हिम्मत और हौसले का एक ज़रिया है। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान के बयान पर अक़वामे मुत्तहिदा में इंडिया के मुस्तकिल नुमाइंदा TS थ्रोमरोथी ने सख्त एहतजाज करते हुए कहा कि तुर्की को इंडिया की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। इन या इनके दोस्त ममालिक को कोई हक नहीं कि वो यूँ इंडिया को आलमी सतह के फोरम पर बदनाम करते फिरें। तुर्क सदर का ये बयान इंडिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है और इनकी मुदाखलत हमारे लिए कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है। तुर्की को दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी के हवाले से अपनी पॉलिसियों पर गौर करना चाहिए। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।